विद्यार्थी मित्रों आपने ગયા લેક્ચરમાં પાર્ટ 3 કુદરતી વફાદારી પાર્ટ સમજૂતી સમજાવ્યા તથા તેનો અભ્યાસ સમજાવ્યા હવે આ લેક્ચરમાં આપણે તેનો સ્વાધ્યાય જોઈશું તમે બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘરે પુસ્તક ખોલશો અને તેમાં તમે તમારો સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન 1 જોશો તો તમે તમારા પ્રશ્ન 1 માં જોશો તો એમાં કહાની આપેલી છે તમારા સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન 1 માં કહાની આપેલી છે તો હું આજે કહાની તમને સમજાવીશ પ્રશ્ન कहानी तो એના મુદ્દા હું તમને જરા કહી દઉં કે એક નોકર દ્વારા હાર ચોરી કરના સેટ કા સભી નોકરો સે પૂછના કિસી કા ચોરી કબૂલ ન કરના સેટ દ્વારા યુક્તિ કરના પ્રતિક કો 7-7 ઇંચ લકડી દેના જાદુ કી છડી હોને કી બાત કહના દૂસરે દિન દિખાને કો કહના ચોર કી લકડી 1 ઇંચ બઢ જાયેગી ઘર જાકર હાર ચુરાને વાલા नौकर का 1 इंच लकड़ी का काटना दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना अब हम यहाँ कहानी की शुरुआत करेंगे तो आप सब विद्यार्थी मित्रों इस कहानी को ध्यान देना हम यहाँ इसका शीर्षक देंगे सेठ की चतुराई सेठ की चतुराई फिर सुंदर नगर में माणिक चंद नाम का एक सेठ रहता था सुंदर नगर में एक माणिक चंद नाम का एक सेठ रहतो हतो उसके घर में कई नौकर चाकर थे एना घर में घना बदा नौकर ना सेवक होता नौकर चाकर था एक दिन सेठानी अपना कीमती हार मेज पर रखकर किसी काम में चली गई और एक दिन सेठानी शू करे छे टेबल पर एनो हार मूके छे और अचानक एने काम याद आवी जाय छे एटले हार मूकीने चाली जाय छे पछी एक नौकर ने मौका देखा और हार ले लिया एक नौकर शू करे छे મોકો જોવે છે લાભ ઉઠાવીને એ હારની ચોરી કરી લે છે શેઠાણી લોટકર આઈનો મેજ પર હાર ન દેખકર સન્ન હો ગઈ પછી શેઠાણી પાછી ફરે છે પરત તો ત્યારે શેઠાણી હાર જોવે છે નહીં એને ટેબલ પર હાર જોવા મળતો નથી એટલે શું થઈ જાય છે સ્પષ્ટ થઈ જાય છે ચોકી ઉઠે છે ઉસને શેઠ સે હાર કી ચોરી કી બાત કી પછી શેઠાણી શું કરે છે શેઠ પાસે જઈને એનો હાર ચોરી થઈ જાય છે એની વાત કરે છે सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर पूछा अच्छा सेठ शू करे छे बड़ा नौकरों ने बोलावीने पूछे छे परंतु किसी ने हार की चोरी कबूल नहीं की परंतु शू कोई पण चोर પોતાની चोरी ने कबूल करतो नथी के मैं चोरी करी छे એટલું વાત કોઈ કરતો નથી सेठ બુદ્ધિમાન થે પણ सेठ કેવા હતા બહુ જ બુદ્ધિશાળી હતા उन्होंने एक युक्ति की અને શું કરે છે युक्ति अपनावे छे એમને એક વિચાર આવે છે उन्होंने प्रत्येक नौकर को 7 इंच की लकड़ी दी और कहा अने शू करे छे बधा नौकरों ने 7 इंच की लकड़ी आपे छे अने बधा ने कहे छे कि देखो यह जादू छड़ी है के देखो आ जादू जादुई लकड़ी छे तुम इसे घर ले जाओ तुम्हें बधा शू करो अने घरे ले जाओ कल लाकर मुझे देना वाले काले तमे आ लकड़ी लावीने मने पाछी आपजो जिसने हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी अने जेने हार नी चोरी करी ऐसे एनी लकड़ी 1 इंच बढ़ी जशे सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ियां लेकर घर चले गए बधा जे नौकर शू करे छे पोतानी लकड़ी लईने घरे जाय छे हार चुराने वाला नौकर ने सोचा जेने हार चोरी करो हतो ए नौकर विचारे छे के इसीलिए विचार करे छे अने इसलिए उसने अपनी लकड़ी की 1 इंच काट ली कि विचार करता है कि क्यों न मैं अपनी लकड़ी को 1 इंच काटूं कि विचारे छे कि वो क्यों मारे एक लकड़ी को 1 इंच काटी दो यो विचार करे छे और वह लकड़ी को 1 इंच काट लेता है और वो बोलता है कि दूसरे दिन 1 इंच मैंने लकड़ी काटी थी और जादुई लकड़ी की छड़ी गई तो 1 इंच बढ़ जाएगी वह यह सोचकर 1 इंच लकड़ी को काट देता है फिर दूसरे दिन शू करे छे ए विचार करे छे कि हूँ आ जादू छड़ी छे 1 इंच तो वधे जवानी छे अने जो 1 इंच वधी जशे तो मारी चोरी पकड़ाई जशे एटले शू करे छे लाकड़ी ने 1 इंच कापी नाखे छे अने विचारे छे कि बीजा दिवसे 1 इंच वधी जशे एटले मारी लाकड़ी छे तीन पाछी थई जशे અને બીજા દિવસે દૂસરે દિન સભી નોકર અપની અપની લકડી લેકર શેઠ કે ઘર પહોંચે અને બીજા દિવસે નોકર શું કરે છે બધા પોતપોતાની લકડી
શેર શું કરે છે બધાની લાકડીઓને જોવે છે નોકર કે લાકડી 1 ઇંચ કમ હતી જે નોકરે ચોરી કરી હતી એ નોકરની 1 ઇંચ લાકડી માંથી 1 ઇંચ ઓછો હતો જરા સા ધમકાને પર ઉસની ચોરી કબૂલ કરી થોડો ઘણો શું એને ધમકાવ્યું તો એને પોતાની ચોરીને કબૂલ કરી લીધી કે મેં ચોરી કરી છે सेठ ने उससे हार वापस लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। अच्छा सेठ शू करे छे एनो हार जे चोरी करे ते हार पाछो ले ले छे अने एने नौकरी माथी निकाली दे छे। इस तरह सेठ ने युक्ति से हार को जोगाड़ने वाले नौकर को पकड़ा। आ रीते शू करे छे जे सेठ छे ए चोरी करवा वाला हार जेने चोरी कर्यो हतो हार ने एने पकड़ी ले छे। तो सेठ ने बहु बुद्धिमान हता एने आ वार्तामां एम कहेवा मांगे छे के सेठ एवी बुद्धि બધાને લાકડી આપે છે અને બધાને એવું કહેવામાં આવે છે કે આ જાદુ લાકડીની છડી છે અને 1 ઇંચ વધી જશે જેને ચોરી કરી હશે કે નહીં કરી હોય કે બધાને તમે ઘર લઈ જશો તો 1 ઇંચ વધી જશે પરંતુ જેને ચોરી કરી હતી એને કોઈ પણ વિચાર્યું નહીં અને 1 ઇંચ લાકડી કાપી દીધી અને એ પકડાઈ ગયો એટલે સેઠી મનમાં વિચાર્યું કે જે એટલી લાકડી જાદુ છડી તો હતી નહીં પણ એમને ચોરને પકડવા માટે એમ જ કહ્યું હતું અને એ જાદુ છડી ચોરી કરવા વાળો પકડાઈ ગયો કે જાદુ છડી હતી નહીં એટલે એને 1 ઇંચ કાપી નાખી હતી અને 1 ઇંચ કંઈ વધવાની તો હતી નહીં અને એવી રીતે ચોરી કરવા વાળો પકડાઈ ગયો। એટલે તમારા સાથેના પ્રશ્નમાં પ્રશ્ન એક વાત કહાની છે તો હું પીડીએફ દ્વારા તમને આ કહાનીનો ફોટો મોકલીશ તો તમારે લખવાનું છે। હવે પ્રશ્ન 2 પ્રશ્ન 2 માં થોડા ઘણા પ્રશ્નોના ઉત્તર છે। रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? कुत्ता बहुत समझदार था। कुत्ता बहुत समझदार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौं भगा देता था। अगर रात को पड़ाव की तरफ कोई चोर उछलता आते दिखाई देता तो कुत्ता उसे भौंक भौंक कर दूर भगा देता था। तो यह प्रश्न 1 का उत्तर हुआ। प्रश्न 2 सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तो उसका उत्तर है बंजारा सेठ के पास उधारी रुपया लेने गया था। उधारे रुपये लेने गया था परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे को कहा कि अगर तुम अपना कुत्ता जमानत के रूप में रख सकते हो। परंतु सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता जमानत के रूप में रख सकते हो। जब तुम सारे पैसे लौटा देंगे लौटा कर तुम वापस अपना कुत्ता ले जाना। इस प्रकार बंजारे ने आपके रकम के बदले कुत्ते को गिरवी रखा। तो इस प्रकार कुत्ते ने बंजारे ने कुत्ते को गिरवी रखा। तो प्रश्न 3 है कुत्ते ने सेठ को क्यों मुक्त कर दिया? कुत्ते ने सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो उसका उत्तर है सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। एक दिन सेठ ने सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। तब कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। और दूर जंगल में जाकर चोरों ने जमीन में जो सारा सामान उखाड़ दिया था वह देखा। चोरों ने जो जमीन में सारा सामान गाड़ दिया था वह उसने देखा और उसने अपने अपने सेठ जी के पास गया और अपने सेठ जी को जंगल में ले गया। अपने सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा। और उसने जहाँ जो जगह पर मार सामान गाड़ दिया था वह उसकी मिट्टी खोद कर वह चुराया हुआ सारा माल सामान कुत्ते ने सेठ जी को वापस दिलवा दिया। इसलिए सेठ जी कुत्ते की वफादारी पर मुक्त होकर उसे मुक्त
क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो कुत्ते की वफादारी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो उसका उत्तर है कि लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते हुए देखा, कुत्ते को अपने पास वापस आते हुए देखा तो जल्दबाजी में उसने कुत्ते पर लाठी का प्रहार कर दिया। उसके कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम जल्दबाजी में करना नहीं चाहिए, सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में किया हुआ काम से हमेशा हमें पछताने की नौबत आती है। हमें हमेशा पछताने की नौबत आती है।